केआर न्यूज में आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में इकबाल मैदान में विश्वास सारंग द्वारा बोले गए बाबरी मस्जिद को कलंक पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। भोपाल से साउद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं यासर अंसारी। देखिए, हमारी डिमांड तो ये है कि मतलब जिस तरह से विश्वास सारंग ने एक मस्जिद को ये बोला है कि वो हिंदुस्तान पे कलंक थी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद कलंक नहीं है, कलंक तो तुम हो और हिंदुस्तान पर नहीं, इस धरती पे कलंक हो। तो आपने जिस तरह से देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसका फैसला दिया वो भी आपने देखा, तो ये सारे कलंक हिंदुस्तान पर लगते जा रहे हैं एक के बाद एक। आप हिंदुस्तान पर कलंक हो, मस्जिद कलंक नहीं है, हम कलंक नहीं है, तुम इस धरती पर कलंक हो, सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं। हमारी डिमांड ये है कि या तो वो आप माफ़ी मांगे विश्वास सारंग, और नहीं तो उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम उमर असलम है। देखिए, ना कोई मंदिर कलंक है, ना कोई मस्जिद, ना कोई गिरजाघर, ना कोई गुरुद्वारा कलंक है। अगर कोई किसी को भी कलंक कहता है वो कलंक है। इस मुल्क की ताकत आपस में एकता, सेकुलरिज्म है, जिसको कोर्ट ने भी बड़े अच्छे से इसका फैसला करा और लोगों ने इसका, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करा। अभी ताकि हालात ये पैदा करेगा विश्वास सारंग के द्वारा इस मुल्क में, इस शहर के अंदर वापस वही हुल्ला स्टार्ट हो जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए। जैसे हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर ना कोई मुसलमान था, ना कोई हिंदू था, सब आपस में भाई बहन थे, एक दूसरे के घर में खाना दे रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। तो ये नरेला क्षेत्र के जो अपने माननीय विधायक महोदय जी हैं, उनको ये इस बात का बड़ा तकलीफ हुई कि इस भोपाल में आज से जो 60 साल पहले, 40 साल पहले एकता थी, वो वापस कोरोना की वजह से कैसे आ गई। तो उनका वापस एक स्टंट था लड़ाई करवाने का, वो नाकामयाब रहा। और वैसे भी बीजेपी की तो पॉलिसी है कि बाबरी मस्जिद को लेके आके चुनाव जीतना, तो MP में भी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने नया स्टंट अपनाया था, लेकिन ये नाकामयाब हो गया। हिंदू मुसलमान की दोस्ती जिस तरीके से आगे बढ़ी है, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, और हम एक्शन लेंगे तो सिर्फ विश्वास सारंग के खिलाफ और किसी के खिलाफ नहीं।